एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों के अध्यक्ष पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों पे हमला बंद करो बंद करो बंद करो। पत्रकारों पे हमला बंद करो बंद करो बंद करो। जिंदाबाद। पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करो पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करो प्रदान करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों का अपमान नहीं सहेगा नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। पत्रकारों का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। पत्रकारों का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको की गिरफ्तारी हो गिरफ्तारी हो गिरफ्तारी हो। एक मिनट सही लोग इधर देखिए देखिए। सर ये क्या पूरा मामला है जो ज्ञापन दिया गया पत्रकारों द्वारा? ये सनी गुप्ता हैं जो अपने घर पे थे। उस लड़के मुकदमा लिखा था कोपागंज में और उसके संबंध में उन्होंने खबर चलाई थी। तो इसके खबर नीरज यादव और राघवेंद्र प्रताप सिंह ये इनके घर जा कर के इनकी बाइक खड़ी थी। इनका कहना है कि हमारी बाइक को तोड़ दी हमको भी मारे हम घर में भाग गए फिर लोग धमकी दिए जान से मारने की। इनका एक उनका कहना है कि एक योजना बना करके फिर मुझे मारना चाहते हैं। तो इसके संबंध जो अप्लीकेशन प्राप्त की गई है संबंधित थाने को भेज दी जाएगी और उचित धाराओं में जो उनका मुकदमा लिखा गया है उनके खिलाफ संबंधित कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के लिए इनको इनके घर के पास जो हमारी PRB रहती हैं वो लगा दी जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं अगर कोई बात होगी तो उसके लिए भी इनकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सर चूंकि स्थानीय थाने द्वारा एप्लीकेशन देने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई उसके कारण इनको उसके लिए नहीं एप्लीकेशन जब आपने यहाँ आवेदन दिया है तो हम इसको भेज रहा हूँ इसमें सुनवाई होगी कार्रवाई भी होगी।